और चलिए सीधे रुख करते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। रविशंकर प्रसाद इस वक्त बोल रहे हैं, नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं, ये बताइए आप। बीजेपी जानना चाहती है, राहुल गांधी द बीजेपी वुड लाइक टू नो, बिकॉज एनी रिजर्वेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड इज टोटली प्रोहिबिटेड, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो प्रोहिबिट्स दैट। हाउ डज योर प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र कांग्रेस टेल द जमायत उलमा विल कंसिडर इट ए डाउन राइट डिवाइसिव कम्युनल डिमांड ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स। ये हम जानना चाहते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए, कहां कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? कर्नाटक के चुनाव में हमारे मित्रों को याद होगा पीएफआई का सहयोग लिया था कि नहीं लिया था इन लोगों ने, काफी उस पर टिप्पणी यहां से की गई थी, मुझे भी एक बार बोलने का पार्टी ने अवसर दिया था। द कांग्रेस पार्टी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी एंड पॉलिटिकल प्रोप्राइटी टू गेट वोट्स टू डिफीट बीजेपी एंड द एनडीए। झारखंड से गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा सियासी हमला सामने आया। महाराष्ट्र में उलेमाओं ने कांग्रेस को ज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा और उलेमाओं ने 10% आरक्षण की मांग की है, कांग्रेस ने उलेमाओं को आरक्षण का भरोसा दिया है। ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा है, उन्होंने कहा कि 10% आरक्षण मुस्लिमों को मिला तो फिर किसका कम होगा, ये सवाल है। और रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि ये जो धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात आ रही है ये संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा, किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा। आज महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी, अकोला में चुनाव सभा, मंच पर हुआ भव्य स्वागत, नांदेड़ में भी जनसभा। अकोला की चुनावी रैली में पीएम मोदी का विरोधियों पर करारा प्रहार, कहा जहां कांग्रेस की सरकार वो राज्यशाही परिवार का एटीएम, महाघाड़ी पर भी किया बात, बोले एमबीए का मतलब उगाही मशीन। चुनाव से पहले महाराष्ट्र के ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महा विकास अघाड़ी के सामने समर्थन के लिए रखी शर्त, वक्त बिल का विरोध, नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण समेत 17 मांगों वाला पत्र उद्धव शरद पवार और नाना पटेलों के भेजा गया। झारखंड के पलामू से कांग्रेस पर गृहमंत्री अमित शाह का करारा हमला, कहा महाराष्ट्र में उलेमाओं की शर्त को कांग्रेस ने मान लिया, मैं पूछना चाहता हूं यदि 10% आरक्षण मुसलमानों को मिला तो किसका आरक्षण कम होगा। झारखंड दौरे पर राहुल गांधी, एयरपोर्ट पर खुद सीएम हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी का स्वागत किया, गर्मजोशी से मिले दोनों नेता। झारखंड में चुनाव से पहले जेएमएम को लगा झटका, पार्टी के दो नेता धरणीधर मंडल और शैलेंद्र मंडल बीजेपी में शामिल, रांची में दोनों को हेमंता विश्वकर्मा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला का, झूठ बोलने का काम करती है बीजेपी, न मिली युवाओं को 2 करोड़ नौकरी और न ही किसानों के लिए एमएसपी हुई डबल, सिर्फ झूठ बोलते हैं पीएम मोदी। चुनाव के वक्त किए गए वादों पर बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, कांग्रेस शासित राज्यों में जो वादे किए गए वो पूरे किए गए, समाज के सभी वर्गों की उन्नति कांग्रेस की विचारधारा। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर प्रहार का, सत्ता में आने के बाद लूट करती है कांग्रेस, समाज को बांटना इनका मकसद, पीएम मोदी का एजेंडा सिर्फ देश का विकास। हिमाचल प्रदेश में समोसे पर सियासत तेज, शिमला में भारतीय युवा मोर्चा ने निकाला समोसा मार्च, सीएम सुक्खू की तस्वीर के सामने दिखाया गया समोसा। समोसा मार्च के दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच भी बांटे समोसे, सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, प्रदेश में कानून व्यवस्था और नशे के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा गया। लखनऊ में एसपी कार्यालय में अखिलेश यादव ने मनाया खजांची का जन्मदिन, नोटबंदी के दौरान बैंक में पैदा हुए बच्चे को अखिलेश ने खजांची नाम दिया था, कहा नोटबंदी से हर वर्ग के लोग प्रभावित हुए। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू, उपचुनाव के बाद एनकाउंटर सरकार का होने जा रहा है खात्मा। उत्तर प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स जारी, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाएगा और नया पोस्टर लिखा, तुम जमीन पर गुम लिखो हम आसमान में पीडीए का इंकलाब लिखेंगे। जन्मदिन पर लगे तेजस्वी के भावी सीएम वाले पोस्टर पर बिहार में सियासत गरमाई, एनडीए ने बधाई के साथ तंज कसा, जंगल राज की याद दिलाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया, इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों से बातचीत की, बच्चों के चेहरे पर दिखी खुशी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए, शहीद स्मारक पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, का तेजी से विकास कर रहे प्रदेश को और आगे ले जाना है, विकास के साथ विरासत को भी सहेजने में जुटी हमारी सरकार। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बीजेपी पर आरोप, का चुनाव में गुंडों का सहारा ले रही है बीजेपी, पुलिस भी बीजेपी का कर रही है समर्थन। बीजेपी नेता किरीट सुमैया का दावा, मुंबई में बांग्लादेशियों रोहिंग्या की जनसंख्या बढ़ी, 2051 तक हिंदू आबादी घटकर रह जाएगी 54%। बिहार के रामगढ़ सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बिगड़े बोल, का 2020 के चुनाव में 3 जगहों पर पिटे थे, इस बार 300 बूथों पर लाठी डंडे से होगी बीजेपी और बीएसपी के लोगों की पिटाई। झारखंड चुनाव से पहले आयकर विभाग का बड़ा एक्शन, राज्य में 7 जगहों पर छापेमारी, सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर भी रेड। चुनाव से पहले आयकर विभाग के एक्शन पर जेएमएम ने उठाए सवाल, मनोज पांडे ने कहा जांच एजेंसियों का हो रहा है गलत इस्तेमाल, लोकतंत्र के लिए ये जायज नहीं। गुजरात के नवसारी में ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, झुलसकर 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से जख्मी, लोगों को इलाज के लिए दूसरी जगह भेजा गया। माना जा रहा है कि ट्रक से केमिकल बैरल खाली करते वक्त भड़की चिंगारी, केमिकल होने के कारण आग ने विकराल रूप लिया, आग बुझाने के लिए अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर मौजूद। महाराष्ट्र के पालघर में गाड़ी से 3 करोड़ कैश बरामद, कार चालक गिरफ्तार, पूछताछ जारी। यूपी के हापुड़ में रिफाइंड ऑयल गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर अफरा तफरी का माहौल, दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लाखों के नुकसान की आशंका। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में सभी यात्री सुरक्षित, नालपुर स्टेशन के पास हुआ हादसा। दिल्ली की हवा में घुला जहर, कई जगह पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई, अक्षरधाम और दिल्ली एम्स के पास स्थित बेहद खराब। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की कोशिश जारी, धूल और धुंध को कम करने के लिए पानी का छिड़काव, जगह जगह छिड़काव कर हवा को सुधारने का प्रयास। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी प्रदूषित, कालिंदी कुंज में यमुना में फैला झाग, यमुना नदी का पानी पूरी तरीके से प्रदूषित। बिहार के गया में एक होटल में तेजस्वी यादव ने मनाया जन्मदिन, केक काटकर समर्थकों को खिलाया, कई नेताओं और समर्थकों ने दी जन्मदिन की बधाई। झांसी में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान, खाद की लंबी लाइन लगाकर कर रहे इंतजार, रात भर जगने के बाद भी किसानों को खाद मुहैया कराने में प्रशासन नाकाम। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नक्सली लिंग का खुलासा, पुलिस सूत्रों के मुताबिक फायरिंग की प्रैक्टिस के लिए पुणे से झारखंड गए थे 3 आरोपी, 1 आरोपी शुभम लोनकर अब भी है फरार। जोधपुर में ब्यूटिशियन की हत्या का मामला, मुख्य आरोपी मुंबई से गिरफ्तार कर लाया गया जोधपुर, हत्या कर शव को गड्ढे में दफनाकर फरार हो गया था आरोपी।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों के दो सप्लायर्स को किया गिरफ्तार। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के समय हुए दंगों में अवैध हथियार सप्लाई करने का आरोप।